देवास में पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के सभी पाबंदी हटने के बाद हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के सभी श्री राम और हनुमान मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है। MG रोड खेड़ापति हनुमान मंदिर पर खेड़ापति सरकार का आकर्षक श्रृंगार किया गया। मोगरा, गुलाब और अन्य फूलों से खेड़ापति सरकार का बंगला सजाया गया। वहीं देवास में स्थित प्राचीन नागूखेड़ी बाईपास पर प्राचीन श्री श्री डबल हनुमान मंदिर पर भी आकर्षक श्रृंगार देखने को मिला एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक श्रद्धालुओं ने महाप्रसादी का लाभ लिया। सुबह से खेड़ापति मंदिर और श्री श्री डबल हनुमान मंदिर पर बाबा के भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह महाआरती के बाद प्रसादी का वितरण शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहेगा। आज क्या कुछ विशेष है खेड़ापति मंदिर पर? आज जो आपने देखा होगा, पहले तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया पंक्तिवत आएं, कोई धक्का मुक्की ना करें, किसी प्रकार का कोई भी गलत नारा ना लगाएं। एवं आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे साज सज्जा आपने देखी होगी, बाबा की आकर्षक साज सज्जा, बाबा को बरक लगाकर, सोने की बरक लगाकर बाबा का श्रृंगार किया है। आपने जो श्रृंगार देखा होगा, हर बार प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी बाबा का जो विशाल भंडारा नुक्ति के माध्यम से हमारे बीच में आप देख रहे हैं वितरित हो रहा है। कृपया प्रसाद लेकर जावे और अपने जीवन को धन्य करें। ये मंदिर स्थान से डबल हनुमान मंदिर नागूखेड़ी उज्जैन रोड। आज हनुमान जन्मोत्सव प्रकट उत्सव में कार्यक्रम कुछ भी नहीं रखा है। मेरे यहाँ अभी नया निर्माण काम चालू है, इसीलिए कार्यक्रम रखने का कोई जायगा नहीं है। अतः जायगा कमी के कारण खाली भंडारा की व्यवस्था रखा गया। कितने वर्षों से कर रहे हैं आप बापू ये भंडारा? ये भंडारा तो मेरा ही यहाँ हो गया 22 साल। क्या नाम लिखते हैं आप आपका? मेरा नाम है श्री सर्वेश्वर दास, मेरा गुरु का दिया हुआ। बापू साहब, देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।